हाय एवरीवन, आज हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला एनर्जी कंसीडरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये पहला लेक्चर है और एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिजन एंड फ्यूजन, है ना। तो पहले देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है वो हम लोग देखते हैं और फिर एनर्जी कैसे निकलता है वो भी देखेंगे, राइट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो न्यूक्लियाई या एक न्यूक्लियस या एक एक्सटर्नल सबएटॉमिक पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन हो सकता है ना, उन दोनों का अगर हम लोग टकराए यानी कि कोलाइड करें, कोलिजन करें और एक नया बिल्कुल न्यू न्यूक्लियाई अगर फॉर्म हो या एक से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकता है उसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, दो न्यूक्लियाई हम लोगों ने कंसीडर कर ली, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे ए और ए मान लेते हैं, इसे अगर हम लोग टकराए तो मान लीजिए यहाँ पर एक नया न्यूक्लियाई फॉर्म हो सकता है या आप लोग बी प्लस बी भी फॉर्म हो सकता है, एक से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकता है लेकिन नया होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए और ए है, स्मॉल ए कैपिटल है और यहाँ पर भी स्मॉल ए और कैपिटल ए है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कहलाता है, वो न्यूक्लियर स्कैटरिंग कहलाता है ना। तो न्यूक्लियर स्कैटरिंग तो वो है और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए बिल्कुल न्यू न्यूक्लियर फॉर्म होना ही चाहिए, राइट। तो आई विल लुक ए डेफिनेशन समझ के। अब दो मोस्ट हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जानते हैं जिसका नाम आप लोग शायद सुने होंगे क्लास 12th में, वो है फिजन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। फिजन आप लोग कहाँ पर देख सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एटम बम्स में देख सकते हो, और फ्यूजन कहाँ पर होता है, जो स्टार्स है, सन है, उसमें जो अंदर इंटरनल जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, यानी कि चाहे फिजन हो या फ्यूजन हो एनर्जी तो बहुत सारा अमाउंट में निकलता है, लेकिन वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल फॉर्म में होने की वजह से उसे हम लोग लिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, है ना। ये जो एनर्जी निकल रहा है इसे एस्टिमेट करने के लिए हम लोग एक वैल्यू चाहिए था जिसे हम लोग क्यू वैल्यू कहते हैं, यानी कि जो एनर्जी निकलता है उसे कैसे हम लोग एस्टिमेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, राइट। तो क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहता है, जो मासेस का सम है, यानी कि पहले जो मासेस का सम था ए प्लस ए रिएक्टेंस का और प्रोडक्ट का, उन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें और साथ में सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी निकल के आ जाता है। और ये कहाँ से है, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्या था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था। तो यहाँ पर जो एम है वो है मास डिफेक्ट, आप लोग कह सकते हैं, या मास जो डिफरेंस है, इसका जो मास है और इसका जो मास है, है ना। इन दोनों को अगर हम लोग डिफरेंस कर दें या माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें और साथ में सी स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है वो हम लोग को मिल जाएंगे एज ए क्यू वैल्यू, हम लोग क्यू कहते हैं इसे, है ना। और इसे यूजुअली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए फिजन रिएक्शन में जब हम लोग यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं टकराते हैं, तब लगभग 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ चीज़ों में निकलता है, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। और जब ये क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, और जब क्यू का वैल्यू निगेटिव होता है तब हम लोग उससे उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई होप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।